नमस्कार दोस्तों, आपको पता ही है मैं अपनी लाइफ के कुछ किस्से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उसी किस्सों में आज फोर्थ पार्ट है। पिछली बार मैं आपको इतना बता चुका था कि मैंने 12th गुरु तेग बहादुर से किया और उसके बाद की कहानी आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 12th के बाद मैंने सीधे ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया। उससे पहले एक साल मैंने कहीं टाइम बिताया और वहाँ से वापस आके फिर कॉलेज में एडमिशन लिया। तो उस बीच का किस्सा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हुआ ये कि मेरे ताऊजी जो थे वो मर्चेंट नेवी में जॉब करते थे, तो बचपन से मेरे घर में एक माहौल था कि 12th पास कर ले किसी तरीके से, उसके बाद मर्चेंट नेवी में कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा के कुछ कर देंगे, लगा देंगे, कोर्स करना पड़ेगा तुझे। और लेकिन ये था कि उसमें 12th में 60% लाने थे, उसके बाद मतलब कैडेट की पोस्ट एक ऊँची पोस्ट होती है उसके लिए आपका होना था, लेकिन मेरे 12th में 60% नहीं थे। तो एक छोटा वाला रैंक होता है मर्चेंट नेवी में, सेलर की पोस्ट होती है, उसके लिए बोला कि ट्राई कर सकते हैं। तो मैं 12th पास करने के बाद पहली बार मुंबई गया, फर्स्ट टाइम। तो पहली बार जब मैं मुंबई गया तब तो मैं किसी रिश्तेदार के साथ गया था, वो खटीमा में रहते थे। खटीमा से हम लोग लखनऊ गए और लखनऊ में उस समय कोई पुष्पक एक्सप्रेस करके ट्रेन थी, वहाँ से हम लोग मुंबई पहुँचे। तो वो किस्सा पहला वाला तो ठीक था कि रिश्तेदार के साथ मैं मुंबई गया, उसमें इतना ये किस्सा याद है, भले ही उसमें मेरे बड़े भाई और बहन भी शामिल हैं, वो मैं शेयर कर देता हूँ। जैसे हम मुंबई पहुँचे उनके रूम में करीब रात को 9-10 बजे तक, तो वहाँ पे जो मेरे कजिन्स थे वो अपने फ्रेंड के साथ बियर पी रहे थे, ठीक है, माफ़ करना मुझे बताने के लिए, वो बियर पी रहे थे, वो और उनके दोस्त, कजिन के दोस्त बियर पी रहे थे और खाना वाना बना रखा था, चिकन वगैरह, और मैं उस समय ड्रिंक करता नहीं था। लेकिन जो भैया मेरे साथ गए हुए थे वो मेरे रिश्ते में मामा लगते थे, दूर के मामा, और मुझसे 2-3 साल बड़े थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे, 1-2 साल 2-3 साल बड़े थे। तो वो वहाँ पे बियर पी रहे थे, 5-6 बोतलें रखी थी बियर की और गिलास में लेके पी रहे थे। तो मेरे साथ के जो मामा थे मुझसे 1-2 साल बड़े, वो जब पहुँचे जैसे ही वहाँ पे, तो वो बोल रहे हैं, अरे तू आ गया, हम तो आज पार्टी कर रहे थे कि ये पी रहे थे गिलास में लेके बियर पी रहे थे। तो मेरे साथ के वाले मामों को मैं देखते दंग रह गया, इसलिए मैं किस्सा शेयर कर रहा हूँ। उनका वो भी चन्नी है, उन्होंने बियर उठाई एक और मुंह में लगाई और कट 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 खत्म। एक और बियर उठाई, मुंह में लगाई, कट 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 खत्म। मतलब पहाड़ी बियर ऐसे पीते हैं, क्या ये पानी है, तुम क्या गिलास में डाल के सिप सिप करके पिए जा रहे हो इसको। तो ये किस्सा मुझे याद रह रहा है कि किस तरीके से उन्होंने वहाँ पे 2 बोतल 2 मिनट में ख़त्म, और वो लोग लगे थे खाली गिलास में एक एक सिप मार के, फिर चिकन खा रहे हैं, स्नैक्स खा रहे हैं, ये सो कर रहे हैं, पहाड़ी ऐसे पीता है गटगट करके 2 बियर। तब मैं ड्रिंक नहीं करता था इसलिए मुझे उतना मज़ा नहीं, लेकिन मुझे मज़ा आया उनकी स्टाइल देख के कि ख़त्म कर गया। तो ठीक है, मैं गया तो फर्स्ट टाइम, तो उस समय क्या हुआ कि मेरी उम्र जो थी, जो मैंने इंटर पास किया था वो 17 साल 5 महीने ऐसे में कुछ कर लिया था। तो इस वजह से मुझसे बोला गया कि जब तक 18 साल की उम्र पूरी नहीं होगी आपको रख नहीं सकते हम लोग एज ए सेलर उसमें ट्रेनिंग के लिए। तो मुझे वापस हल्द्वानी आना पड़ा, तो मैं वापस हल्द्वानी आ गया, 1 महीने रुका मुंबई में, वापस हल्द्वानी आ गया। उसके बाद 6 महीने जैसे ही पूरे हुए, 6-7 महीने जब मैं तब 18 साल का हो गया, तब का किस्सा है, तब मैं फर्स्ट टाइम दूसरी बार मुंबई गया, लेकिन अकेले गया हल्द्वानी से अकेले मुंबई सेकेंड टाइम, और 18 पूरे हो गए थे इसलिए गया। तो उसमें क्या था, काठगोदाम से एक ट्रेन चलती थी, रानीखेत एक्सप्रेस वे भी चलती है वो दिल्ली तक, और दिल्ली से फिर मुंबई तक के लिए। तो हल्द्वानी काठगोदाम क्या कहते हैं रेलवे स्टेशन पे मैं गया, और तब उनका टिकट का अंदाजा था नहीं मुझे, घर में भी उतनी क्या कहते प्रॉब्लम थी थोड़े पैसों की, तो डैडी ने मुझे बता दिया था कि तू काठगोदाम जाना, वहीं से तुझे टिकट मिल जाएगा सीधे मुंबई तक का, और दिल्ली से दूसरी ट्रेन पकड़ के चले जाना। मैंने कहा ठीक है, फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा रेलवे जर्नी का बता रहा हूँ। तो मैं गया काठगोदाम रेलवे स्टेशन पे, वहाँ मैंने बोला टिकट काउंटर पे, जनरल बोगी का टिकट मिलता है उसी दिन, तो ये मुंबई का टिकट दे दो, वो भी देख रहा था सीधे मुंबई का टिकट मांग रहा है काठगोदाम से रेलवे स्टेशन से।
तो 250 या 300 रुपये का टिकट था, और उस वक्त जो टिकट थे आजकल की तरह नहीं आते थे, मतलब जैसे जनरल टिकट भी लें या रिजर्वेशन कराएं, ऐसे गत्ता होता है, गत्ते के पैड टाइप के टिकट होते थे, उसमें स्टैम्प मार के वो देते थे, तो उसी में स्टैम्प मार के वो करके सीधे 300 तक का, 350 या 250 का ऐसा कुछ कुछ टिकट था, सीधे मुंबई तक का, उसमें लिखा था काठगोदाम टू मुंबई इतना अमाउंट और ये और स्टैम्प, वो टिकट हो गया मेरा जनरल का, ठीक है। तो मैं काठगोदाम में बैठा ट्रेन में और पुराने दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उतर गया, ठीक है। पुराने दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उतर के मैं गया नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, तो जो रिक्शे वाला था उसने मुझसे 150 रुपये लिए उस टाइम पे, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक का 150 रुपये, ठीक है। उसके बाद चलो अमृतसर से कोई वो गोल्डन टेम्पल आती थी उसमें मैंने बैठा, और वो भी वहाँ से फुल होके आती है, तो किसी ने मुझसे बोला कूली ने आके कि मैं तुम्हें सीट दिला दूँगा, और वरना जनरल डिब्बे में तुम्हें सीट नहीं मिल पाएगी, 50 रुपये लगेंगे सीट मिल जाएगी। मैं क्या करता, मैंने कहा सीट तो ज़रूरी चाहिए, तो मैंने 50 रुपये स्कूली भाई साहब को दिए। जैसे ही गोल्डन टेम्पल आई वो बंदे ने दौड़ लगाई ट्रेन में और एक जगह अपना कपड़ा डाला, खाली सीट थी, बोला ये सीट बुक हो गई है, फिर मेरे को लेकर गया, उसका कपड़ा पड़ा था वहाँ पे सीट पे, उठाया बोला बाबू जी बैठो, बैठा, 50 रुपये उसको दिए, जनरल डिब्बे में सीट मिल गई, बैठ गए सीधे मुंबई तक के लिए। अब वो ट्रेन अमृतसर से आती है कहीं से, तो उसमें पंजाबी लोग बैठे हुए थे, सरदार लोग बैठे हुए थे, तो उनके साथ मेरा अच्छा टाइम पास हुआ, पत्ते वत्ते खेलने मैंने सीख रखे थे, तो 1-1 रुपये की पत्ते खेले उनके साथ रास्ते में, फैमिली थी पूरी वो, तो 1-1 रुपये के खेल रहे थे, मैं जीत गया था 140-150 रुपये तक जीत गया था, पर वही है जैसी जेब में पैसे आए तो उसके बाद फिर ज़्यादा खेलना शुरू कर दिया, तो कुल मिला के बाद में लास्ट में 20 रुपये हार में रहा, और उस वक्त करीब दिल्ली से वहाँ तक का करीब 26 घंटे 27 घंटे का ऐसे मेरे ख्याल से रूट था उस ट्रेन का, 26-27 से 30 घंटे तक का रूट था, और पहली बार ये एक्सपीरियंस किया मतलब ट्रेन में पत्ते खेल के, वो खेलना हारना, और जो वो जिनको हम हिजड़े बोलते हैं वो ट्रेन में आके किस तरीके से पैसे मांगते थे, वो आके मुझसे ए देना ये करना वो करना, तो मैं डर डर के कभी 5 रुपये कभी 10 रुपये उनको दूँ, 2-3 बार तो दिया, तो तीसरी बार कुछ सरदारनी आंटी थी, उन्होंने कहा बेटा ऐसे मत देते रहे, ये लोग तो ऐसे मांगते रहेंगे और तो कहाँ तक देते रहेगा इसको। तो ये एक्सपीरियंस मिला था। फिर उसके बाद जैसे ही हम बड़ौदा पहुँचे, बड़ौदा में मैंने देखा, बड़ौदा से आगे फिर नहीं सूरत, सूरत बड़ौदा इलाके पड़ते हैं गुजरात के, कि ट्रेन में जो भी लोग आ रहे, जो भी आ रहे थे सच में वहाँ बढ़िया लोग रहते, वो लोग पूरे हाथों में सोने की अंगूठियाँ, इस हाथ में भी पूरे सोने की अंगूठी, गले में चेन हीरे की अंगूठी, मतलब जो अमीर आदमी रहता है गुजरात में सूरत और बड़ौदा, ये चीज़ देखी, जो भी चढ़ चढ़े उसके बाद ट्रेन में, ठीक है। और दूसरा ये देखा जैसे ही मुंबई आने वाला था उससे पहले बच्चे जो हैं रेलवे ट्रैक स्टेशन से या दूर से लोटों में जगों में पानी लेके आ रहे थे और बोले थे 1 गिलास पानी 1 रुपये का, 1 गिलास पानी 2 रुपये का, तब मैंने पहली बार देखा कि पानी भी बिकता है, क्योंकि मैं हल्द्वानी जैसे छोटे शहर में रहता था, मुझे नहीं पता था कि पानी बिकता है, तो प्यास तो लग रही थी तो उनसे लिया 1 रुपये गिलास, वो खारा पानी डाल रहे थे नली का ला ला के वहाँ से वही पिया। फिर ऐसे जैसे करके फिर मुंबई सिटी तक, सेंट्रल क्या कहते हैं मुंबई तक का शायद वो ट्रेन जा रही थी, लेकिन मुझे पहले रुकना था उतरना था, तो मैं दादर एक स्टेशन पड़ता वहाँ पर मैं उतर गया दादर स्टेशन, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको पसंद आ रहा होगा ये किस्सा है, इसके बाद मैं BSc करता हूँ, ये मुंबई वाला किस्सा मुझे हमेशा याद रहता है इसलिए सुना रहा हूँ इसको। तो दादर स्टेशन पर मैं उतर गया, स्टेशन पर उतरा तो वहाँ पर जैसी ये यहाँ से उतरते नॉर्थ ईस्ट जो ट्रेन चलती है उसके बाद आपको वेस्टर्न रेलवे में जाना पड़ता है लोकल ट्रेन्स के लिए, तो मुझको बता रखा था डैडी ने मेरे या ताऊ जी ने कि तू दादर पे उतरना और वहाँ पर से फिर अलग से कोई ट्रेन पूछ लेना लोगों से, मेरे ताऊ जी लोग नवी मुंबई में रहते थे वासी में, वहाँ के लिए ट्रेन पूछ लेना। मैंने कहा ठीक है, तो मैं दादर में उतरा तो एक शॉर्टकट रास्ते से सारे लोग जो हैं उसमें जा रहे थे वेस्टर्न रेलवे में, मतलब जो लोकल ट्रेन्स के लिए चलती हैं, तो मैं भी उसी शॉर्टकट रास्ते के लिए से जाके पहुंच गया लोकल ट्रेन्स के प्लेटफॉर्म में। वहां पहुंचा तो मैं
उसके लिए अलग टिकट से लेना पड़ेगा, वैसे तो मुझे पता था लोकल ट्रेन के लिए, तो मैं काउंटर ढूंढ रहा था ट्रेन के लिए टिकट के लिए काउंटर ढूंढ रहा था कि मुझे मिल जाए करके। तो ढूंढते ढूंढते इधर घूम रहा था तो मेरे हाथ में एक सूटकेस था सूटकेस भी वैसा कि जिसमें फौजी का वाला कवर रहता है बड़ा सा। तो दूर से टीसी समझ गया होगा नया है, तो एक आ गया मेरे पास, बोला हाँ बेटे कहाँ से आ रहा है। मैंने कहा सर काठगोदाम से आ रहा हूँ नैनीताल से, यहाँ मेरे ताऊ जी रहते हैं वहाँ जा रहा हूँ। बोला अच्छा टिकट दिखा। मैंने सोचा टिकट तो मेरे पास है क्या करेंगे, मैं टिकट दिखाया उनको, वही लकड़ी का गत्ता देखा उन्होंने, उसमें काठगोदाम टू मुंबई। बोला छोरे ये तो वहाँ से यहाँ तक का है, यहाँ का टिकट दिखा, यहाँ से कहाँ जाना है तुझे। मैंने कहा सर मुझे तो पता नहीं, यहाँ पे पीछे दादर में ट्रेन रुकी थी, ये लोग यहाँ से इसी रास्ते से आ रहे थे, मैं भी आ गया, अब मैं काउंटर ही ढूंढ रहा हूँ, वासी जाना है मुझे, वासी में रहते हैं वो लोग। तो उसने फिर 1,000 रुपये बोला वो कि दो करके वरना चल जेल में, ये सो करके बड़ी मुश्किल से पर्स दिखाया उसको, पैसे तो मेरे सूट केस में थे वैसे, पर्स दिखाया, पर्स में मेरे 300 रुपये ऐसे 200-300 रुपये कुछ थे। तो बोला यार चल तो पहली बार आया तो मैं तुझे तो माफ़ करता हूँ। तो उस टीसी ने इतना अच्छा काम किया वहाँ पे, भले ही उसने पैसे खाए, उसने वहाँ से टिकट काउंटर से भीड़ लगी रहती है वहाँ से मुझे टिकट दिलवाया पहले लोकल ट्रेन के लिए, फिर मुझे समझाया कि बेटा तू दादर से कुर्ला जाना और कुर्ला से फिर बेलापुर को ट्रेन जाती है, वहाँ से तू उसमें बैठना, 3 स्टेशन आके वासी आ जाएगा, वहाँ से तू घर चले आना। ठीक है, और उसने करीब 100 रुपये लिए, बाकी 100 रुपये मुझे वापस करे और बाकी का टिकट लिए। और फिर मैं वही कुल्ला वाली लोकल ट्रेन में बैठा, फिर कुल्ला में उतरा, वहाँ से उतर के फिर वासी में उतरा, वासी में ऑटो से फिर ताऊ जी के घर में पहुँच गया। लेकिन मेरी किस्मत देखो, फर्स्ट टाइम जब मैं मर्चेंट नेवी वीकली गया था तो मेरी उम्र कम हो गई थी 18 साल से, ठीक है। सेकेंड टाइम पहुँचा 6 महीने बाद, जब 18 साल का हो गया, तो 2 साल के लिए जो मर्चेंट नेवी की गवर्नमेंट कंपनी जो होती है उन्होंने बैन कर दिया था एंट्रीज के लिए, जो क्या जो मर्चेंट नेवी में एज ए सेलर एंट्री के लिए मैं कोर्स करना की सोच रहा था, तो 2 साल के लिए बैन हो गई थी, क्योंकि पहले ही सेलर इतनी ट्रेनिंग ले चुके थे कि करीब 200-250 वो अभी मतलब पाइपलाइन में थे, वो विदेश जाते हैं उसके बाद नए ट्रेनिंग्स होती हैं। तो मेरी किस्मत इतनी बुरी थी कि वहाँ पे जैसे ही मैं गया दूसरी बार, तो उसमें 2 साल के लिए ट्रेनिंग सी बंद कर दी थी गवर्नमेंट सेक्टर में। प्राइवेट में मैं कर सकता था लेकिन उस समय इतना पैसा नहीं था, तो मैं वापस फिर मरता क्या ना करता वापस आया, और करीब अक्टूबर में वापस पहुंचा, फिर 1 महीने बाद थोड़ा वहीं पे घूमा, और अक्टूबर में फिर वापस आया। अक्टूबर में एडमिशन आमतौर पे कॉलेज में होते नहीं है, लेकिन हमारे कोई पहचान के थे तो उन्होंने फ़ोन वोन करके थोड़ा डीएम साहब को और प्रिंसिपल साहब को फ़ोन करके अक्टूबर में मेरा बीएससी में एडमिशन करा दिया। तो फिर हल्द्वानी से एमबीपीजी कॉलेज बोलते हैं, मोतीराम बाबूराम पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, वहाँ से मेरी ग्रेजुएशन स्टार्ट हुई है। एडमिशन मेरा ये हुआ कि अक्टूबर में हुआ, जबकि आमतौर पर एडमिशन जो है जुलाई में अगस्त में हो जाते हैं, सही कहा। लेकिन मुंबई की वजह से लेट एडमिशन हुआ। तो ये किस्सा बहुत सुनाना ज़रूरी था मेरा कि 12th के बाद 1 साल जो मैंने वेस्ट किया है उसके पीछे का कारण ये था मर्चेंट नेवी का। और आफ्टर ग्रेजुएशन भी मैं उसके लिए गया हूँ मर्चेंट नेवी के लिए, वो किस्सा आगे सुनाऊंगा जब कि कॉलेज में पहुँच गया, इतना आपको मैंने बता दिया। और मुंबई में आने जाने का ये किस्से जो मुझे याद थे ये बताए, ये बहुत सही था कि पहली बार टीसी का पकड़ना, मुझे पैसे लेना, मैं को लगा कि अच्छे ऐसे लोग भी होते हैं पैसे खाते हैं और छोड़ देते हैं, ठीक है। और अभी 2-3 मिनट बचे हैं तो मुंबई का किस्सा और सुनाता हूँ। पहली बार मैं वहाँ हट तो रहा, वहाँ पे सवेरे जो है समुद्र के किनारे पार्किंग में जाता था, एक्सरसाइज वगैरह करता था, क्योंकि क्या कहते हैं बोला था कि एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, फिजिकल उसमें टेस्ट होता था। तो मैंने पहली बार एक चीज़ देखी वहाँ पार्क में, एक दिन मैं बैठा था ऐसे ही, अभी किस्सा शेयर कर दे रहा हूँ क्योंकि ये आम बातें हैं बड़े शहरों में जो लोग रहते हैं। मेरे सामने कपल्स बैठे थे, दो लड़का लड़की थे, और इस तरह बुढ़ा बुढ़ी चलते हैं वो, सब कुछ चलते हैं लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पे पार्क में करते हैं। तो वो कपल सामने बैठे हुए थे, मैं एक्सरसाइज कर रहा था, डिप्स लगा रहा था या हैंड वो बीम खींच रहा था वहाँ पर। तो वो दो बैठे बैठे अचानक आपस में किस करना स्टार्ट कर दिया, मैं देख रहा हूँ। मैंने कहा कौन सा जहर है, क्या हो रहा है यहाँ पे, अगल बगल आंटीज़ लोग चल रहे हैं, बुढ़े बैठे चल रहे हैं और बैठे हैं पार्क में बुढ़े बैठे, और ये सामने इतनी गंदी हरकत, ऊँची हरकत कर रहे हैं, तो
कहाँ जा रहा है, मतलब वेस्टर्न कल्चर उस समय मेरे दिमाग में था क्या है ये, शर्म भी नहीं आ रही है सो करके। फिर चुपचाप घर में आ गया, घर में आकर अपने कजिन को बताया, वहाँ थोड़ा को मैं ऐसा कर रहे थे बोले, ये तो आम बात है, मैं तो फर्स्ट टाइम देखा था, मेरे तो ऊँची हरकत थी। लेकिन उसके बाद तो बात के किस्से और हैं बहुत से। तो उम्मीद करता हूँ ये ट्रेन का सफ़र जो मैंने सुनाया जल्दबाजी में, ऐसे भी सुनाया, ये सुनाना ज़रूरी था ट्वेल्थ के बाद ग्रेजुएशन के बीच का जो गैप मेरा रहा, इस वजह से दो चक्कर मुंबई के काटने पड़े मर्चेंट नेवी में। अब किस्मत ही बोलोगे ऐसे कि फर्स्ट टाइम एज कम हो गई थी, सेकंड टाइम दो साल के लिए बैन लग गया था। फिर सबने यही बोला कि भाई अब बीएससी कर ले, बीएससी के बाद फिर आना। तो मैंने वही उचित समझा, आके यहाँ पे अक्टूबर में एडमिशन लिया बीएससी में, और फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ मेरे सब्जेक्ट थे। अब अगले पार्ट में मैं सुनाऊँगा कि मेरा फर्स्ट डे बीएससी का क्लास का कैसा रहा, उसमें मेरे दोस्त भी शामिल थे और बहुत इन्जॉयबल मोमेंट है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये किससे आपको पसंद आ रहे होंगे, और कुछ गलतियाँ मुझसे हो भी रही होंगी तो भी शुरुआत में होती रहेंगी, लेकिन आगे ठीक रहेगा सब कुछ। अगर आपको मेरा ये किस्सा शेयर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना, इसको लाइक ज़रूर करना, कुछ कमेंट्स करना, कुछ अपनी कहानियाँ भी कमेंट्स करो, मैं सुनाऊँगा, कुछ अच्छी कहानियाँ होंगी सुनाऊँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरा साथ दोगे, थोड़ी बहुत मेरी गलतियाँ हो रही होंगी तो उसे माफ़ करोगे। अगले एपिसोड में, अगली कहानी में आपसे फिर मुलाकात होती है। प्लीज़ मेरा ख्याल रखना, कुछ करना है मुझे इस फील्ड में, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। कहानी किससे अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करना, और आगे बहुत अच्छे किस्से सुनाऊँगा, अच्छे तरीके से सुनाऊँगा। अभी थोड़ा बहुत क्या पता मिस्टेक्स मुझसे हो रही हैं, ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़, अपने दोस्तों से भी करवाना, विनती करता हूँ मैं हाथ जोड़ के। बाय।